मारुति सुजुकी वैगन आर VXI, ये इसकी चाबी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज जिस कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये 2009 की मारुति सुजुकी वैगन आर VXI, ये इसकी चाबी, जिसमें कि आपको सेंट्रल लॉकिंग भी दी हुई है कंपनी फिटेड मारुति की। लॉक अनलॉक का फंक्शन मिलता है इसमें। वाइट कलर में कार है ये VXI। सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ। खोलता हूँ मैं इसका हुड, यहाँ से खुलेगा इसका हुड। तो ये है इसका इंजन, जो कि ये 1061 सीसी का 16 वाल्व पेट्रोल इंजन, और जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 64 या 65 PHP की पावर और 84 NM का टॉर्क। छोटा सा इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, बटिया और प्योर पेट्रोल है ये। और साथ ही साथ इसमें LPG का भी ऑप्शन आया करता था 2009 में, जब ये आया करती थी कार। और LXI और VXI, ऐसे कुल मिला के 3 वेरियंट इसके अलग अलग LPG और पेट्रोल में ऑप्शन हुआ करते थे इसके। आपको इस कार में ORVM जो है वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अगर आप इसे चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ ही आते हैं, तो आप इसे चाहें तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फेंडर पे आपको इसमें इंडिकेटर मिलता है। और सबसे पहले हम लाइट्स की बात करते हैं, तो ये है इसकी हेलोजन लाइट्स, और नीचे इसमें फॉग लैंप है। कलर में ही, बॉडी कलर में ही यहाँ पर आपको ग्रिल मिलती है इसकी, और मारुति का लोगो क्रोम हल्का सा। आगे से दिखने में गाड़ी खूबसूरत है, मतलब इतने पुरानी होने के बावजूद भी ये अभी इतनी ओल्ड नहीं लगती है। और टॉल बॉय डिज़ाइन है कार का, इस वजह से ये कार बहुत ऊंची है। आपको छत पर रूफ रेल्स भी मिलती है इसमें, जो कि इसे और खूबसूरत बना देती है। साथ ही साथ आपको इसमें एंटीना भी मिलता है। अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, तो कार का वेट इतना ज़्यादा नहीं है, अराउंड 755 kg का इसका वेट है। उस हिसाब से इसकी बॉडी इतनी हेवी आपको महसूस नहीं होगी, बट फिर भी ओके है, क्योंकि उस समय इतना कंपनियां इतना सेफ्टी को लेके इतना वो नहीं सोचती थी, इतना आगे का नहीं सोचती थी, इस वजह से इतनी आपको ये सेफ़ फील नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ टायर्स की, तो 155/65R13 इसमें आपको रिम मिलते हैं। ये आपको डिस्क मिलती है इसमें, जो कि ब्लैक कलर में है। सिल्वर कलर में आपको इसके नीचे के वेरियंट्स में मिलती है, ठीक है। और बात करें इसी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अराउंड 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है। चलते हैं पीछे की तरफ, तो यह मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग है, वैगन आर का लोगो है, VXI वेरिएंट की ब्रांडिंग है। नीचे आपको एक स्टॉप लैंप नीचे ही मिलता है और ऊपर भी मिलता है, और पीछे के टेल लैंप भी आपको लंबे मिलते हैं इसमें। खोलता हूँ मैं इसका बूट, इसे आप चाहें तो चाबी से खोल सकते हैं, तो यहाँ से इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो ये है इसका बूट, साइज़ में इतना बड़ा नहीं है, डिसेंट सी साइज़ है इसमें, मतलब इसमें आप दो बैग भी बहुत मुश्किल से रख पाएंगे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आपको इसका स्टेपनी रखने की स्पेस मिलती है। पीछे ही आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे है, जहाँ पे कि स्पीकर लगाए हुए हैं अलग से दो। मतलब क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ओके है, इतनी भी हल्की आपको महसूस नहीं होगी कार ये। चलते हैं पीछे की सीट की तरफ, यहाँ पे आपको एक और क्वार्टर ग्लास मिलता है, आगे भी आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है मिरर के पास। और आते हैं पीछे की तरफ, पहले हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो डोर भी इसके बहुत लंबे हैं, और बट इसकी एक अच्छी चीज़ है कि इसमें मेरी हाइट अराउंड 6 feet की है, तो मैं इसमें ईजिली बैठ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, कार में इतनी स्पेस है। और हम लाइट की तरफ चलते थोड़ा, क्योंकि ये हो सकता है आपको इतना क्लियर ना दिख रहा हो। तो ये आपको देखेंगे तो आप, इसको कपड़े का इस्तेमाल किया गया है डोर पे। और प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूँ, तो मैं हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, इतनी स्पेस नहीं है इसमें बॉटल रखने की, बस इसमें आप पेपर रख सकते हैं। आपको पीछे की तरफ इसमें पावर विंडो नहीं मिलते हैं, तो आप इसे मैनुअली अप डाउन कर सकते हैं। और बात करूँ अगर सीट्स की, तो सीट्स भी इसकी इतनी बड़ी नहीं है साइज़ में, बट ठीक है। और आपको इसमें अगर इसे स्प्लिट करना हो, तो आप इसे पूरी की पूरी को सीट को आपको नीचे करना पड़ेगा, आपको इसमें 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। आता हूँ अंदर, और ये सीट बिल्कुल पीछे है, तो बिल्कुल भी बैठने की इधर स्पेस नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस तरफ, तो ये सीट थोड़ी आगे है, इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत स्पेस तो मिल रही है इसमें, नो डाउट, बट ठीक है। बीच में आपको इतना बड़ा हम भी नहीं है इसमें, छोटा सा हम पे, इस वजह से आपको बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, जिसे कि आप इसे ओपन कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी इसके एडजस्टेबल है, जिस वजह से आपको एक और अच्छा बेनिफिट मिलता है। पीछे भी आपको इसमें लाइट दी गई है,
जिससे कि आप पीछे बूट को अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको लाइट मिल पाएगी। सेंटर में इसमें लाइट नहीं है, बट वो भी अच्छी पोजीशन में लाइट दी गई है। आपको यहाँ पे हैंडल भी दिए गए हैं। और अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छी स्पेशियस कार लगती, खुली खुली सी लगती है। मतलब आपको इससे सफोकेशन फील नहीं होगा इसमें, बट इसमें दो जने ही बैठ सकते, पीछे चार जने थोड़े अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे। और हेडरूम भी बहुत अच्छा मिलता है आपको इसमें, क्योंकि कार की हाइट बहुत अच्छी, टॉल बॉय डिज़ाइन होने के कारण। चलते हम आगे की तरफ और देखते हैं। तो ये है इसका फ्रंट डोर, जिसपे कि आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। VXI ब्रांड में आपको पावर विंडो मिलते हैं, इसे आप लॉक भी कर सकते हैं। तो इससे इधर का जो लेफ्ट साइड का पावर विंडो वो चलेगा नहीं, तो इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। बट क्या ये एज के हिसाब से तो ठीक ही है, पर मारुति की जो कार है ना, पहले 2009-10 में जो आती थी, 11-12 में भी फिर भी ठीक है, जब डिज़ायर का फेसलिफ्ट वर्जन आ गया था और वेगन आर का भी फेसलिफ्ट वर्जन आ गया था 10 के आसपास, तब इनमें थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई थी। बट इस समय तो ये बहुत, मतलब आप अगर इसे गड्ढे में चलाएंगे तो बहुत ज़ोर ज़ोर से सब पैनल्स बजते हैं इसके, प्लास्टिक के। एक इशू है इसमें, बाकी ओवरऑल अच्छी कार है। और अगर हम चलते हैं आगे की तरफ, बैठते हैं, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्पेस दी गई है। अगर आप चाहें तो अपना मोबाइल की कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी स्पेस दी गई है सामान रखने के लिए। लाइट के भी एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए। और ORVM जो है, इसे भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। एक बहुत खास चीज़ इस कार के बारे में, यहाँ की अभी की कंपनियाँ जो है इन्हें मैनुअली दे रहे हैं। मतलब कि अगर आपको एडजस्ट भी करना है ORVM को, तो आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ा इशू है ये। अगर यहाँ पे तो फिर भी स्पेस बहुत कम है। अगर कुछ कुछ कारों में बहुत चौड़ी कारें हैं, तो अगर आपको लेफ्ट साइड का ORVM एडजस्ट करना, तो आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बलेनो है और टाटा की बहुत सी गाड़ियाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं ये, मतलब भले आप डंडी दें, बट ऐसी चीज़ें बहुत ऑड लगती है अभी के हिसाब से। बट इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन मिलता है ये अच्छी चीज़ें इसके लिए। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। आपको ये वैसे ही लगेंगे जो डिज़ायर में आया करते थे, शिफ्ट में आया करते थे 2009-10 में, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बीच में आपको मैनुअल AC मिलता है इसमें, और AC बहुत अच्छा है इसका, एकदम चिल्ड कर देता है कार को। यहाँ पे एक साउंड सिस्टम लगा हुआ है अलग से। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, और यहाँ पे भी एक सॉकेट दिया गया है ताकि आप कुछ चार्ज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे भी है, और ग्लो बॉक्स भी बहुत इसका स्पेशियस है। मतलब ये ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और ग्लो बॉक्स तो ही है। बीच में आपको हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पे थोड़े से कॉइन रखने की स्पेस है, ये गियर बॉक्स है, और ये इसका स्टेयरिंग है जो दिखने में अच्छा है। खास बात है इस VXI वेरियंट की, इसमें आपको टैकोमीटर मिलता है, जैसा कि आप लेफ्ट राइट साइड में देख पाएंगे। यहाँ पे आपको टैकोमीटर भी मिलता है, स्पीडोमीटर भी मिलता है, और ट्रिप मीटर भी मिलते हैं दो। बट इसकी जो डंडी है वो टूट चुकी है, इस वजह से इसमें दिख नहीं रहा है। और राइट साइड में आपको फ्यूल इंडिकेटर और टेम्परेचर मीटर भी मिलता है। मतलब ओवरऑल कार इतनी पुरानी नहीं लगती है, मैं ऐसा बोलूँगा आपको। आपको IRVM भी इसका मिलता है, जिसे कि आप डिम भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइट दी गई है, और यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे बस टिकट होल्डर है। मतलब ओवरऑल कार अच्छी है, बट जो उस एज के हिसाब से, उस समय के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी फिर भी ठीक है। अगर आज के समय में हम इसकी क्वालिटी देखेंगे प्लास्टिक की, तो ये बहुत घटिया लगेगी, ठीक है। और ओवरऑल कार बढ़िया है, तो मैं इसका एक ड्राइव रिव्यू भी, छोटा सा ड्राइव रिव्यू इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर आप इसके ड्राइव रिव्यू, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक 2002 मॉडल की वैगनआर के बारे में डाला था, उसका सेम इंजन ही, दो ही में इंजन में कुछ फ़र्क नहीं, स्पेसिफिकेशन सेम है इंजन का। तो चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और मैं इसका एक अलग से वीडियो ना बनाकर इसमें इसका ड्राइव रिव्यू ऐड कर देता हूँ। तो चलाने जा रहा हूँ मैं वैगनआर को, और मैं थोड़ी सी इसमें चीज़ बताना भूल गया, जैसे कि इसमें आपको 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और 62 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, और अराउंड 84 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये। इसे चलाता हूँ मैं, वहाँ पे बैंड वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से आज वीडियो जो है ना मेरी थोड़ी बिगड़ ना जाए, मुझे इसका डर है। मैंने कार स्टार्ट कर दी है, और सीट बेल्ट पहन लेता हूँ मैं, साउंड बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ इसकी। कोशिश करता हूँ कि व्यू बढ़िया है, क्योंकि ये जो इसमें स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट नहीं मिलते हैं आपको, इस वजह से क्या, और सीट में भी इतने ज़्यादा खास एडजस्टमेंट नहीं है, तो मुझे थोड़ा रिक्लाइन करना पड़ेगा सीट को, ताकि आपको बेटर व्यू मिल पाए। तो अभी से एक बार लॉन्च करता हूँ मैं, ये बहुत मतलब फ्रीली रे हो जाता है इंजन, ये अच्छी चीज़ है इसकी। और बस
6000 RPM। पावर तो है कार में, बट क्या ये लो एंड में बहुत पंची है। मतलब अगर आप इसको जरा सा भी ज़्यादा एक्सेलेरेट करके लॉन्च करोगे ना, तो ये हाथों हाथ स्पिन कर देगी इसके व्हील्स को बहुत इजीली। और जैसे कि ये मेन में आपको बता रहा हूँ कि लो एंड में पंच है इसमें, इस वजह से एकदम से भगती है शुरुआत में। जैसे 2000 RPM, 1500 RPM में तो अच्छी पिकअप पकड़ लेती कार ये। और अब यहाँ से यू टर्न लेता हूँ मैं, आप इससे इसी रूट पे आ जाता हूँ। मतलब बॉडी रोल तो इसमें है, मतलब कम ही स्पीड में अगर आप इसमें टर्न लेते हो ना, तो आपको महसूस होता है कि इसमें अच्छा खासा बॉडी रोल मिलता है आपको। और स्टीयरिंग भी इतना रिस्पॉन्सिव तो नहीं है इसका, बट ठीक है। ब्रेकिंग भी अच्छी है इसमें, आपको ABS इस वाले वर्जन में नहीं मिलता है, ये जरा से मैं इसके स्पिन हो जाते व्हील्स। स्टीयरिंग लाइट है, अच्छी चीज़ है इसकी। और जो इसके गियर थ्रो है वो थोड़े लॉन्ग है। एक और जो इसकी चीज़ ये है कि इसके सस्पेंशन जो ट्रैवल है ना वो बहुत कम है। भले ही सस्पेंशन इसका सॉफ्ट है, बट इसका सस्पेंशन का ट्रैवल जो है ना बहुत कम है। इस वजह से जो आपको बड़े गड्ढे हैं वो आपको बहुत अच्छे खासे महसूस होते हैं, इसमें पूरी कार बजती हुई समझ में आएगी आपको, इतनी ज़ोर की आवाज़ आएगी इसके अंदर। बॉडी रोल में आपको ऐसा बता रहा हूँ, इसमें अच्छा खासा बॉडी रोल मिलता है, अराउंड 60 की स्पीड तो मैं, पर मुझे इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि भी 70-80 तो हाईएस्ट है इस कार के लिए। मतलब इसके ऊपर तो आपको कॉन्फिडेंस तो इसमें मिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि इसमें बॉडी रोल भी बहुत है और कार इतनी स्टेबल नहीं रहती है। मतलब अगर आप इसे थोड़ा बहुत हाईवे पे चलाएंगे, बस ज़्यादा फास्ट ना चलाएं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। वेगनार बट अभी तो इसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया, बट उतनी स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई है इसमें। अराउंड 120 हाईएस्ट है इसके ऊपर, तो आप 120 के ऊपर चलाना भी नहीं चाहिए, बट 120 हाईएस्ट पीक है इसका, इसके ऊपर तो आपको बिल्कुल भी स्टेबल फील नहीं होती है कार ये। मैं अराउंड अगर 50-60 जा रहा हूँ तो मुझे कम्फर्टेबल लग रही है, उसके ऊपर तो मुझे डर लग रहा है कि कंट्रोल के बाहर ना चले जाए कार। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके बारे में, बॉडी रोल बहुत है इसमें देखो। और एक और ख़राब चीज़ वेगनार के बारे में, ऑल्टो के बारे में भी बताता हूँ। अगर आपने अलाइनमेंट करा रखा है कार का और गलती से भी आपने एक बड़ा गड्ढा कूद लिया, तो भैया इसका अलाइनमेंट बहुत जल्दी आता है। मेरे साथ अभी हुआ ये, मैं आधे घंटे पहले इसका जस्ट अलाइनमेंट करा के आया हूँ और मुझसे एक बहुत बड़ा गड्ढा कूदा गया था, तो इसका अलाइनमेंट चला गया। अब मुझे वापस से अलाइनमेंट इसका कराना पड़ेगा, एक और इशू है इसका। वापस इसे लॉन्च करता हूँ यहीं पर मैं। कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ। कितने व्हील से स्पिन हो रहे हैं आप समझ रहे हो, मतलब पीछे पूरे टायर, कार के अंदर ही टायर जलने की बात सारी। मुझे पंची तो बहुत है यार ये, मतलब इसका लो एंड तो इतना पंची है, बोलने में है 62 हॉर्स पावर, 64 हॉर्स पावर, बट आपको बहुत खुशी दे देगी ये। जो शुरुआत में इसका पंच है ना, ये आपको हंसा जरूर देगा और खुश जरूर कर देगा अगर आप इसको व्हील स्पिन करना आपको पसंद है तो। ज़रा से मैं व्हील स्पिन बना दे, ज़रा से मैं आपको इतनी मेहनत करना ही नहीं, अगर आप ज़रा सा भी इसको रेव करोगे और क्लच को छोड़ोगे तो ये व्हील स्पिन हो जाते हैं इसमें। और पिकअप अच्छा है, मतलब मैं अगर सिंगल चल रहा हूँ तो मुझे पिकअप अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि 5 जनों को भी मैंने बिठाया, मेरे को थोड़ा सा लैग जरूर लगा पावर के मामले में उस समय, बट फिर भी ठीक है, डिसेंट पावर है इसमें, आपको ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा पावर से रिलेटेड। तो यही था वेगनार के बारे में, ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए इसमें कुछ है नहीं खास। इससे पहले मैंने भी इसकी वीडियो बना रखी 2002 मॉडल की, अगर आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसकी वीडियो में आई बटन में आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने थॉट बताएं मेरी वीडियो के बारे में, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। मारुति सुजुकी वेगनार, थोड़े से व्हील स्पिन, सेकेंड गियर में भी व्हील स्पिन,